Assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope you will be fine. So let's start my video. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेंट्स की शलवार कटिंग एंड स्टिचिंग. ये हमारे पास कपड़ा है, इसके हमने 4 पीस लिए हुए हैं. ये देखें, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रख दिया. इसकी जो लेंथ है ना, वो हमारी 14 इंच है. ये हमारे पास 14 इंच इसकी लेंथ है. ओके, अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं. 19.2 हमारी जो आसन की जो कटिंग है वो होगी. यहाँ की हमारी कटिंग 19.2 है. अब हम अपना पोंचा कट करेंगे. हमारे जो पोंचा है उसकी कटिंग होगी, ये है 8 इंच. 8 इंच पे हमारी यहाँ की कटिंग होगी. स्केल की मदद से इस तरह स्केल को इस तरह तिरछा टेढ़ा सा रख के यहाँ से हमने लाइन लगानी. इसको हमने अलग कर लिया. अब हमारे जो पोंचा है ना, हमने इसकी कटिंग करनी है. बस इसको ना फ्रेश करने के लिए, इसका जो कपड़ा है ना वो बराबर नहीं है, इसी को फ्रेश करने के लिए हम इसकी हल्की सी कटिंग कर लेते हैं. ओके, अब हमारे जो ऊपर की ये जो ऊपर का हमारा एरिया है ना, जहाँ से हमारा नेवा बनेगा, ये बंद अभी ओपन नहीं है, हम इसको अलग कर लेते हैं. ये हमने अपने दोनों जो पीस है ना वो हमने अलग कर ली है. हमारी जो शलवार की कटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है. हमारे पास ये बुकरम की दो पट्टियाँ हैं, इसको हमने अपने पांचों पर लगाना. अलग से हमने एक कपड़ा लेना है, उसके ऊपर ये पट्टियाँ फिक्स करनी हैं. हमने अपनी जो पांचे की पट्टियाँ ना वो भी रेडी कर ली हैं. अभी हम इन दोनों को ना साइड पर रख देते हैं. हमने ना अपना जो आसन की सिलाई है वो करनी है. उसको ना हमने ना इतना सा बस जो हमारा फोल्डिंग का एरिया ना उसको छोड़ के ना हमने 2 इंच उसको छोड़ना है फोल्डिंग का एरिया. ठीक है, 2 इंच छोड़, 2 इंच पे निशान लगा दिया हमने. इसको ओपन करके रख दिया. तो हमारी एक साइड है ना, इसको ऊपर 2 इंच छोड़ते हुए ना दोनों तरफ हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है. इस तरह हमने अपने दोनों साइडों की सिलाई लगा ली है. ये हमारे आसन की सिलाई है. अब हम इसका जो ऊपर नेफे की जो जगह होती है वो बनाएंगे. हमारी जो अंदर वाली साइड है ना, हम इधर अंदर वाली साइड है ना, हमने ये खोल के रख दिया. अब ये जो हमारा ऊपर कपड़ा है ना, इसको इस तरह हमने ना ये अंदर की तरफ से ना इधर से छोटा सा कट लगा लेना है. कुछ भी इसको थोड़ा सा भी सिलाई नहीं किया, ऊपर से पकड़ के इधर यहाँ से इसको इधर इस तरह से खोल. स्पीकर खराब होने में अच्छा, इस तरह से इधर से हमने ऐसे इसको अपना जो इस तरह से हमने अपनी नेफे की जगह बना ली है. हमने ये अपना जो नेफे की जगह होती है ना वो हमने फिनिश कर ली है. अब हम अपना जो पांचे है वो रेडी करेंगे. इसको हमने सीधा कर लिया. ठीक है, अब हमने इसकी ये हमारी जो फ्रंट साइड है ये हमने रखी हुई है ऊपर की तरफ. अब ये जो हमारी पट्टी है इसमें जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा ना, इसको इस तरह रख के बिल्कुल ऐसे रख के ना, ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़वाया ना बिल्कुल यहीं पे इसके बुकरम के साथ साथ, बुकरम के ऊपर सिलाई ना है, बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना, इस तरह फोल्ड कर देना.
ओके। हमने अपनी ये जो सिलाई है इस तरह से हमने अपनी ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब हम अपनी जो पट्टी है ना इसको इस तरह टर्न करके इधर इसके यहाँ पे ना सिलाई लगा लेते हैं। इस कपड़े को इस तरफ खींचते हैं बिल्कुल फ्रेश करके, इसकी बिल्कुल किनारे पे, किनारे से उतरे ना किनारे पे ही सिलाई लगा लेते हैं। हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमारी ये जो दूसरी साइड है ना इसके ऊपर इधर ही हम के इसके किनारे पे सिलाई लगाते हैं। हमारी ये दोनों सिलाइयां लग चुकी हैं। अब हम इसकी एक और सिलाई लगाएंगे। ये जो इसका एक पाँव है ना इसी का फासला रखना है, एक पाँव के फासले पे हमने अपना पांचा एक पांचा रेडी कर लिया। पांचे की पट्टी रेडी हो गई है। अब इसी तरह हमने दूसरा पांचा रेडी करना है। ये हमने दूसरा पांचा भी रेडी कर लिया। अब हमारे बिल्कुल जो हमारी शलवार है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको बंद करते हैं, मतलब इसकी जो दरमियान में सिलाई लगनी है ना वो लगाते हैं। हमारी जो शलवार है वो फाइनल हो चुकी है। अब ये जो हमारा दरमियान का हिस्सा है ना यहाँ पे हमने ना इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। बस अब हम इसको सीधा करते हैं और आपको दिखाते हैं। आज हमने आपके साथ जो जेंट्स शलवार कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर किया ना, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।